बराबर डिफेंडर उसके शर्मिंदर तोमर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं दो लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, मैं दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, ऐसी बात को सोच लेना कि एक दल चिंगारी रख बैठा है महापंचायत का, क्या आंदोलन है, क्या मांगे हैं आप? हमारी प्रमुख मांग ये है, सोमेंद्र तोमर जो विधायक रहे भी हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्होंने प्री प्लान 10 तारीख में जो मतदान चल रहा था वहाँ पर प्री प्लान अपने गुंडों को लेकर भाई विपिन मनोटिया जी पे, भाई आदिल चौधरी जो वहाँ के प्रत्याशी हैं उन पर हमला किया। पुलिस वहाँ देखती रही, सत्ता के दबाव में किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया और किसी तरह अपनी जान बचाकर ये लोग वहाँ से भागे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पूरी फुटेज में आया हुआ है और आज इनके नाम भी दिए गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सोमेंद्र तोमर के खिलाफ SC ST में 120वीं प्लानिंग में मुकदमा दर्ज हो और बाकी लोगों पर SC ST लगे और सारी धाराएं 307 तक जो जान से मारने का प्रयास किया वो धाराएं लगे और तत्काल इनकी गिरफ्तारी हो। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये महापंचायत जो आज सब लोग बैठे हैं ये तय करेंगे, पूरा वाल्मीकि वर्ग, अन्य समाज, मुस्लिम समाज, सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये तय करेंगे कि अगला कदम हमारा क्या होगा। आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर शहर की, हम नहीं चाहते शहर के आवाम को हमसे कोई दिक्कत हो, लेकिन मजबूरन अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होगी।